बापरे, ये देखो ये चीज थी दोस्तों, ये चीज थी वो। बिल्कुल बिल्कुल भैया, देख रहा हूँ। एक मिनट हवा नहीं थी यहाँ पे, बिल्कुल जैसे अपन आगे बढ़े पूरे पेड़ हिलने लगते हैं। दोस्तों आपको पीछे की तरफ वो लोकेशन दिख रही होगी जिसके आपने बहुत ज़्यादा डिमांड करी थी। आप कंटिन्यू कमेंट कर रहे हो वीडियो के ऊपर कि आज जितेंद्र भैया एक बार हमारे कहने के ऊपर वापस उसी गुरुकुल के अंदर जाके और वो जो चीज़ कैप्चर हुई थी उसको एक बार वापस हमारे सामने लेके आओ। वो चीज़ आखिर है क्या? वो शैतान है या कोई राक्षस है या भूत है या प्रेत है, क्या है? ये कहना है मेरे प्यारे सब्सक्राइबर का। इस लोकेशन के ऊपर जब मैं लास्ट टाइम भाग के निकला था यहाँ से, तभी मैंने सोच लिया था कि मैं इस लोकेशन के ऊपर दोबारा आऊँगा और किशन जी के साथ में आऊँगा। आज कैमरे के ऊपर मेरे किशन भाई है जो कि बहुत नीडर है, हर लोकेशन के ऊपर मेरा साथ देते हैं भाई। जिनको भी पता नहीं है इनके चैनल का नाम, तो उनका चैनल का नाम बता दूँ, केपीएल हिस्ट्री के नाम से यूट्यूब चैनल है इनका, फेसबुक पेज भी है वो भी केपीएल हिस्ट्री के नाम से। दोस्तों आज सवेरे से मैं इनको कह रहा था कि यार किशन भाई अपने को चलना है गुरुकुल की लोकेशन पे, जिसकी अपनी ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा डिमांड कर रखी है। आपने देखा होगा अभी जस्ट हम वहाँ से जब अंदर एंटर हुए थे तब उस समय बिल्कुल सुनसान था, ना कोई हवा थी ना कुछ, इतना ज़्यादा मतलब यहाँ पे गर्मी फील हो रही थी हमें कि हम कह नहीं सकते। और जैसे ही हम यहाँ पे आगे बढ़े, आगे बढ़ते ही अचानक हवा का झोंका आया बहुत ज़बरदस्त, ऐसा लग रहा जैसे कि कोई चीज़ हमें रोकना चाहती है। तो चलते सीधा उस लोकेशन के ऊपर और देखते हैं कि आज यहाँ पे वो राक्षस दोबारा दिखाई देता है या नहीं देता है। तो भाई जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यार एक आपसे शिकायत है, आजकल मेरी वीडियो को कोई लाइक नहीं देता, तो प्लीज़ लाइक का कोई पैसा नहीं लगता। आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इसको लाइक दे दें ताकि मेरी हिम्मत ऐसे बढ़ते रहे। आ जाओ किशन भाई। ऊपर नोट करा, एक्चुअली मैं देख नहीं रहा था उस तरफ। मैंने देखा है वो क्या था मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, वहीं चल के देखते हैं। आ जाओ भाई, क्या बोलूँ मैं, बहुत से लोग बोलते हैं यार जब आगे बढ़ते हैं ना सांसें थम जाती है यार। इतना ही कहूँगा, ज़्यादा बोलूँगा तो लोगों को लगेगा कि यार कुछ ज़्यादा बोल रहा है जितने। यहाँ से मत चलना क्योंकि जानवर भी हो सकते हैं, ऐसी लोकेशन जो हॉन्टेड पैलेस होते हैं उनके ऊपर जानवर भी होते हैं।
बहुत ज़्यादा सुनसान और डरावनी जगह है। मतलब आगे बढ़ने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है गाइस ऐसी लोकेशन पे। फिर भी ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हैं आपका और सीधा उस तरफ चलते हैं जहाँ पे वो राक्षस हमें दिखाई दिया था, और एक बार नहीं 2 बार दिख चुका है वो। किशन जी यही चीज़ हमेशा होती है किशन जी, यही चीज़ है कुछ कोई बड़ी चीज़ थी वो। वही जो पेड़ पे हमेशा पेड़ के ऊपर उड़ के चला जाता है। फर्स्ट टाइम जब मेरे साथ में यहाँ हादसा हुआ था वो पेड़ पे उड़ के गया था, और ये चीज़ बहुत बड़ी थी, पता नहीं क्या था, और ऐसा लगा कि उस पेड़ के ऊपर गया है। एक बार वापस फोकस करो उस तरफ, पता नहीं क्या था। किशन जी जो भी होगा सामने आ जाएगा, इधर हो। काफी डरावना है, जो भी है डरावना है। भाई एक चीज बोलता था, जिसको आवाजों पे भरोसा नहीं है तो ईयरफोन का इस्तेमाल जरूर कर लेना। मेरी वीडियो के अंदर ना तो मैं कोई साउंड लगाता हूँ, ना ऐसा कोई सिस्टम है कि जिससे आपको लगे कि यार मैं कोई फेक साउंड डाल रहा हूँ। मैं बिल्कुल रियल जो ऑडियो है वो ईयरफोन लगाने से ही पता लगेगा। आराम से देख लेना, आपको वो चीज़ जो पेड़ पे उड़ के गई है वो भी, उसकी आवाज़ भी आएगी। और अभी जस्ट पेड़ के नीचे कुछ बोला, आ जाओ किशन जी इधर आओ, देखो सबसे पहले वहां देखते हैं। उस तरफ नहीं, यहाँ। वो देखो वापस कोई चीज उड़ के गई है। कौन है? कृष्ण जी वो गेट देखा, गेट अंदर, गेट मुझे गेट बंद हुआ है। वो देखो हिल रहा है, इधर हो। उसके साथ देखो पेड़ हिल रहे हैं। और यार वो गेट खुला था, मैं आया जब, इधर आओ सामने आओ। इस तरफ आओ। दोस्तों इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले गेट खुला था, अचानक आवाज आई गेट बंद होने की। ऊपर कोई चीज हमें नजर नहीं आ रही है, मगर आज ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ नीचे है। पता नहीं है क्या है, बात करने से पता लगेगा। अगर कोई चीज़ होगी तो वो सामने आएगी। बाकी इतना कहूँगा जो भी करूँगा सेफ्टी से करूँगा, और सेफ्टी मेरी जेब में ऑलरेडी। क्या हो रहा है यार, कौन है यहाँ? देखो हमने आपकी आवाज़ सुनी है, अभी हमें ऐसा महसूस हुआ कि आप अभी अंदर हो, और ये गेट आपने अभी बंद करा है। क्या इस समय अभी आप अंदर मौजूद हो? अगर मौजूद हो तो कोई एक्टिविटी कर सकते हो या कोई सिग्नल दे सकते हो? है भैया आवाज आ रही है, गेट हिल रहा है, आवाज आ रही है। क्या हमें आप बता सकते हो कौन हो? देखो हमें डराओ मत, और हम शायद हो सकता है आपकी मदद के लिए यहाँ बार बार आ रहे हैं, और हो सकता है शायद हम आपकी कुछ मदद कर पाए जिससे आपकी आत्मा को शांति मिल जाए यहाँ पे। क्या आप चाहते हो हम अंदर आए? अगर अंदर चाहते हो कि अंदर आ जाए तो वापस कोई एक्टिविटी कर सकते हो जोरदार, ताकि हमें एहसास हो सके कि आप यहाँ मौजूद हो। किशन जी क्या करें भैया, देखना तो पड़ेगा अंदर कौन है। आपकी जेब में सेफ्टी तो है ना? बिल्कुल। जेब में जाने से पहले एक बार और बात करते हैं, क्या आप हमें कोई हार्म पहुंचाओगे, नुकसान पहुंचाओगे, या फिर आप कोई मदद चाहते हो हमसे? अगर आपको लगता है
कि हम यहाँ पे गलत आ गए हैं, तो क्या कोई एक्टिविटी कर सकते हो जिससे हमें एहसास हो जाए कि हम यहाँ पे गलत हैं? यहाँ से अगर ऐसे चले गए ना तो शायद लोगों को बोलने की वजह मिल जाएगी। बिल्कुल, अंदर तो चलना पड़ेगा अपने को, अंदर तो चलना ही पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, भले आज जो भी चीज है वो सामने आ जाएगी। देखो, मैं आपसे फिर हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, हमारे पास में बजरंगबली की शक्ति है और हमारे गुरुदेव ने हमें जो बबूत दी है वो हमारे पास में। अगर आपने हमें टच करने की भी कोशिश करी तो आपके साथ में यहाँ बहुत बुरा होगा। हम अंदर आ रहे हैं, हमें कोई नुकसान मत पहुंचाना। भैया बिल्कुल ध्यान से। किशन जी, बहुत अजीब सी ठंड महसूस हो रही है, जैसे खड़ा हुआ ना मैं, बॉडी पूरी ठंडी पड़ चुकी है मेरी। देखो ये कुंदा, देखो अभी तक हिल रहा है। मैंने नहीं लाया इसको, मैंने हाथ नहीं लगाया, कैमरा सामने है, ये अभी तक हिल रहा है। मैम, दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम अंदर आ रहे हैं और हमें कोई हार्म मत पूछना, बस इतना चाहते हैं कि आप हमारे सामने एक बार आ जाओ। गुरुदेव, तेरी रक्षा करना। कोई भी नहीं है यार, यहाँ पे कोई भी नहीं है, गेट कैसे हिल सकता फिर? यहाँ कोई भी नहीं है यार, ये गेट कैसे हिल सकता है यार? किशन जी यार, भैया यार, भैया भैया दोस्तों, आप देख रहे हो यार, यहाँ पे कोई भी नहीं है। कैमरा घुमा के आपको दिखा दिया, यहाँ पे फिर भी ये गेट अपने आप बंद हुआ था, आपके सामने हिल रहा था। दोस्तों, बहुत खतरनाक जगह है, डेंजर चीज है। चीज जब सामने आती है तो उससे बचा जा सकता है, मगर चीज जब सामने नहीं आ रही है उसका क्या हल? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी आपने देखा था यहाँ पे इस गेट को हिलते हुए, मैंने 2 से 3 बार उससे बात करी है, इस गेट को बिल्कुल हिलाया उसने, जैसे अंदर आया ना वो चीज गायब यहां से। और इस चीज का जब पता चलेगा कि यहां पे अभी भी वो जिन कह लो, राक्षस कह लो, भूत कह लो, कुछ भी कह लो, वो चीज यहां मौजूद है या नहीं है, वो चीज वहीं से मालूम पड़ेगी वापस अपने को, तो वहीं से एक्टिविटी होती है हमेशा। किशन जी, आ जाओ। किशन जी ध्यान से आना, देखो पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ मेरे, ऊपर फोकस करो एक बार, पीछे और पीछे और, ऊपर फोकस करो। ओ बाप रे, ये देखो ये चीज थी दोस्तों, ये चीज थी। ये अभी आपने देखा अंदर से, पहले ये अंदर था और अपने आप ऊपर चला गया ये। किशन जी थोड़ा पीछे हो, पीछे हो, इससे दूरी बना के रखो, क्योंकि ये चीज हार्म पहुंचा सकती है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है ये। यार देखो, हमसे चाहते क्या हो आप? क्या आप मुक्ति चाहते हो या फिर हमें कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हो? हम बार बार इसलिए आ रहे हैं यहाँ पे ताकि आपको यहाँ पे इस जगह से मुक्ति मिल जाए। हम आपसे कुछ चाहते हैं, अगर आप हमें, आपका साथ अगर हमें मिल जाएगा तो हम आपको यहाँ से मुक्ति दिला देंगे। क्या मैं ऊपर आ सकता हूँ आपके पास? जब जब मैंने कोशिश करी है, आपने मुझे हार्म पहुंचाने की कोशिश करी है, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी आप हो मुझे हार्म मत पहुंचाना, मैं ऊपर आ रहा हूं और उसके बाद में मैं पूरी कोशिश करूंगा इस जगह से आपका छुटकारा हो जाए, आपका छुटकारा मिल जाए। किशन जी, एक बार कोशिश करते हैं यार।
इस चीज को सामने दिखने से मतलब नहीं है भाई। एक बार ऊपर चलते हैं, रिवील करते हैं एक बार जगह। मैं ऊपर आ रहा हूँ, मुझे कोई नुकसान मत पहुँचाना। आ जाओ किशन जी, आ जाओ। तो मेरे मन में पता है कितना डर चल रहा है अभी। मैं जा तो रहा हूँ और जाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप सब कहोगे काया रहे जितेंद्र, मगर जो डर का एहसास है ना वो बयान नहीं कर सकता हूँ शब्दों में। असली परीक्षा अब है अपनी। किशन जी हिम्मत रखना और आगे बढ़ना, अपने को इस चीज को यहाँ से मुक्ति दिलाने के लिए अपने को आगे बढ़ना ही पड़ेगा। हे बजरंगबली भगवान मेरी रक्षा करना। बजरंगबली भगवान मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैंने पल पल आपको याद कराया, पल पल आपकी पूजा करता हूँ, मुझे मेरी रक्षा करना। इतना चाहता हूँ कि मेरे साथ बने रहना। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है यार, कोई भी नहीं है यहाँ पे, कोई भी नहीं है। बजरंगबली भगवान इस चीज को मेरे से दूर रखना, मैं केवल आपके भरोसे इतना ऊपर चढ़ रहा हूँ। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है यार। दोस्तों यार यहाँ पे वो चीज, यहाँ इस जगह वो चीज थी, अभी आपने देखा होगा कैमरे में कैप्चर हुई है, उस रूम के अंदर भी कोई था, मगर अभी देखो आप कैमरा घुमा के दिखा दो यार किशन जी एक बार। दोस्तों मैंने झूठ नहीं बोला था, मैंने आपको पहले भी कहा था ये ब्लैक बोर्ड एक सबसे बड़ा सबूत है मेरा कि ये एक गुरुकुल था कोई जमाने में, मगर जब से यहाँ पे ये वारदातें होने लगी है, यहाँ पे इतना ज्यादा खौफ है कि दिन में भी लोग नहीं आते। मैं इस जगह खड़ा होके अगर कुछ आपसे बोल रहा हूँ ना, तो मानो आप कि मैंने अपने सीने के अंदर कितना डर को दबा के रखा है, फिर भी मैं आपके लिए ऊपर आया हूँ यार। क्या अब भी मेरी वीडियो को कोई लाइक नहीं करेगा, मुझे सपोर्ट नहीं करेगा यार, फिर मैं आप कुछ नहीं कर सकता हूँ इससे ज्यादा आपके लिए। पेड़ से आवाज जल्दी आओ भाई, फटाफट आओ। इस पेड़ के ऊपर से आवाज थी, इसी पेड़ के ऊपर। दोस्तों इस पेड़ के ऊपर जब मेरे को उसने चोटिल करा था, जब मैं बिना सुरक्षा के मैं ऊपर चढ़ गया था, तब मेरे झापट मारी थी उसने, उसके बाद में मैंने अपनी आंखों से देखा इसी पेड़ के ऊपर वो चला गया था। और अभी आपने देखा था वही कितनी तेज चलने लग गई। ओ यार किशन जी देखो, किशन जी आपने मेरी कंडीशन देखी थी उस समय, बिल्कुल आप ही कैमरा चला रहे थे उस दिन। हाँ। उस दिन मैं बिना सेफ्टी के ऊपर आया था और इसी पेड़ के ऊपर, अभी अपन जब आए थे उस पेड़ के ऊपर कुछ गया था। इससे ज्यादा क्या दिखा सकता हूँ दोस्तों। भैया निकलो यहाँ से, मैं बता रहा हूँ आपको। आ जाओ किशन जी, आ जाओ जल्दी, चलो जल्दी। यार एक काम करते हैं किशन जी, एक बार वापस उसी जगह चलते हैं। मैं बता रहा हूँ निकल लो यहाँ से। नहीं मेरे कहने पे यार किशन जी, मैं आपको बोल रहा हूँ एक बार वापस उस जगह चलते हैं, वो चीज वापस नजर आती है या नहीं आती है ऊपर, ये देखना है अपने को सिर्फ।
ठीक है एक बार वापस चलते हैं यार। जल्दी ठीक है आ जाओ किशन जी आ जाओ। किशन जी फटाफट आओ। भाई कैमरा करना वापस एक बार किशन जी। ओ भाई यार वो देखो वो रहा ये देखो वो वापस ऊपर आ गया दोस्तों ऊपर आ चुका है वापस। देखो उस चीज को देखो आप सामने की तरफ वापस। मैं तेरे से एक वादा करके जाता हूँ आज तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे पास में फुल सेफ्टी थी इसलिए तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा और मेरे सामने टिक भी नहीं पाएगा। मगर मैं वादा करता हूँ मैं इस जगह दोबारा आऊंगा और तेरे लिए एक ऐसी चीज लेके आऊंगा जिससे तेरे को यहाँ से मुक्ति मिल जा यहाँ से तू परमानेंट चला जा ताकि लोग यहाँ पे दिन में भी आ सके और रात में भी आ सके। आज तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से मुझे पता है तू वापस ऊपर आऊंगा गायब हो जाएगा मुझे इतना यकीन है जो मेरे गुरुदेव से और बजरंगबली से बड़ा नहीं है तू। किशन जी चलो दोस्तों इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैंने आपको जो चीज दिखानी थी वो दिखाई है मैंने ऊपर जाके भी देखा है रूम में भी जाके देखा है इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं केवल वीडियो शूट ऐसे कर सकता हूँ जिससे आपको लगे कि यार मैं कुछ फ्रॉड नहीं कर रहा हूँ आपके साथ में। दोस्तों वो सामने घर दिख रहे होंगे आपको मैं दिन में उनके पास में जाके आ चुका हूँ। सामने लाइट दिख रही है आपको उनसे मैंने बात करी उनका कहना था कि हम यहाँ पे पैर भी नहीं रख सकते। आ जाओ किशन जी आ जाओ।